2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख उनका दर्द नहीं है, सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस, यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दैट द बीजेपी एंड द आरएसएस स्प्रेड इन द पॉलिटिक्स। यू हैव लॉस्ट व्हाट यू हैव वैल्यूड, बट वी विल फाइंड व्हाट यू वैल्यूड वंस अगेन एंड ब्रिंग इट बैक टू यू। वी अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस ऑन द स्टेज अंडरस्टैंड द पेन दैट द पीपल ऑफ मणिपुर हैव बीन थ्रू। We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through. And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Subscribe to One India channel and never miss an update.